Hello everyone. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is 23rd of November 2020 and you are watching the newspaper reading guide for today. Today we will see news you The Hindu or Indian Express. This is our initiative with a primary aim to save your time in preparation. There are so many students who waste a lot of their time in reading irrelevant news. This is an initiative गाइड यू कि आपको कौन सी न्यूज पढ़नी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट तेईस नवंबर के न्यूज में ऑन द हिंदू फ्रंट पेज विच आर द न्यूज दैट यू हैव टू रीड फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अप्रोर ओवर केरला लॉ टू कर्ब्यूजिव कंटेंट केरला गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास की है द केरला पुलिस अमेंडमेंट एक्ट रला पुलिस एक्ट को अमेंड किया गया है जिससे कि अब्यूजिव कंटेंट जो सोशल मीडिया साइट्स पर डाला जाता है उसको कर्ब करने के लिए द पुलिस हैज बिन गिवन अ लॉट मैनी पावर्स एंड द फ्रीडम और द एक्टिविस्ट आर फॉर फ्रीडम हु आर प्रो फ्रीडम दे आर डिमांडिंग दैट दिस लॉ दिस ऑर्डिनेंस बी टेकन बैक बिकॉज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज वन सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक फंडामेंटल राइट right है हर सिटीजन का इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ये फॉल नहीं होता दिस इज व्हाट दे आर एक बहुत ही हार्श लॉ है जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में फर्क आएगा पुलिस के पास पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है सो ऑल द सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ऑल द प्रो फ्रीडम एक्टिविस्ट दे आर एक्चुअली डिनाउंसिंग दिस लॉ बाय द केरला गवर्नमेंट तो यह हमेशा से एक ऐसा इशू है जो हमेशा न्यूज में रहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड दावर स्टेट पावर जब भी वो बढ़ जाती है तो वो कैसे इस राइट right को कर्ब करती है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसको आपको अच्छे से पढ़ना है इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में तो इनको कंबाइन करके यू हैव टू राइट डाउन सम वे द चैलेंजेस टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और उसमें एक आपका पॉइंट एड होगा हाउ अमेंडमेंट टू लॉज और हाउ द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इज चेंज इन अ वे दैट द स्टेट इज ट्राइंग टू ग्रैब मोर पावर और द स्टेट इज ट्राइंग टू बी मोर अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन रू कर्ब द डिसेंट और टू कर्ब द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच तो ये आपका पॉलिटिकली आपको ये न्यूज पढ़नी है उसके बाद ये दो न्यूज हैं फर्स्ट टनल यूज बाई जैश मिलिटेंट फाउंड इन जे एंड के कुछ दिन पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे से कुछ टेररिस्ट पकड़े गए और एनकाउंटर में उन्हें मार दिया गया ऐसा कहा गया सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से दैट दे वर प्लानिंग अ वेरी बिग टेररिस्ट अटैक इन श्रीनगर बिकॉज द पोल्स आर गोइंग टू बी हेल्ड देयर आफ्टर अलॉट अलॉट ऑफ टाइम तो उसको डिस्टरप्ट करने के लिए ये एक टैक्टिक था और उसी के बाद अभी एक नई टनल डिस्कवर की गई है बॉर्डर के बिल्कुल पास तो एक ये न्यूज है और दूसरी है अरुणाचल प्रदेश सीएम एम पुशेज फॉर हाईवे अलॉन्ग तिब्बत बॉर्डर तो एक न्यूज आपकी पाकिस्तान बॉर्डर से रिलेटेड है एक चाइना बॉर्डर से रिलेटेड है बेसिकली बोथ द न्यूज दे फोकस ऑन योर एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल सिक्योरिटी में ये दो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इफ यू आर गोइंग टू राइट द सिविल सर्विसेज मेन्स एग्जामिनेशन इन जनवरी नेक्स्ट ईयर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है आपके लिए वैसे ही इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे एंड दीज न्यूज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी परसपेक्टिव कि कैसे इस तरह के मैकेनिज्म जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्प्रेड करने के लिए यूज किए जा रहे हैं एंड हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन और इज एक्चुअली स्ट्रेंदनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द इंडिया चाइना बॉर्डर सो दैट इट कैन टैकल द एक्सपेंशन इज चाइना एंड द थ्रेट पोज बाय इट इन अ बेटर वे तो ये दो न्यूज आपकी वहां पर उस कॉन्टेक्सट में एड होंगी आईआर में और सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से ये दोनों न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बाद दीज आर द रीजनल पेजेस अस मूव टू पेज नंबर सिक्स द एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज पे जो पहला एडिटोरियल है पीसफुल पॉसिबिलिटीज जम्मू एंड कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या डीडीसी के इलेक्शन होने वाले हैं उनके ऊपर एक ओपिनियनेटेड आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि कैसे इतने सालों बाद जो जे एंड के में इलेक्शन हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम द पीपल ऑफ जे एंड के विल हैव टू डेमोक्रेटिकली रिफ्लेक्ट और टू डेमोक्रेटिकली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन तो वो एक इलेक्शन जो है इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि इलेक्शन को ज्यादा से ज्यादा फ्री फेयर और सिक्योर बनाया जाए ताकि दोबारा से जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है जम्मू एंड कश्मीर में वो रिस्टोर हो सके सो दैट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और द स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैन बिगिन बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें डीडीसी की सारी डिटेल्स भी बताई गई हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उनमें कैसे इलेक्शंस होने हैं इट कैन बी अ गुड अ गुड लाइक फॉर्डर पॉइंट फॉर यू इन आंसर राइटिंग जहां पर भी आपको जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन के बारे में बताना है वट आर द स्टेप्स यू कैन टेक एज अ वे फॉरवर्ड सोल्यूशन तो आप उसमें कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको डी डी सी पोल्स के थ्रू रिवीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल इन नॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर तो ये एक अच्छा आर्टिकल है आपका पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा जो एडिटोरियल है प्रेशर एंड पनिशमेंट द वर्ल्ड मस्ट फोर्स पाकिस्तान टू टेक टेंजिबल स्टेप्स अगेंस्ट टेरर नेटवर्क रिसेंटली हाफिज सईद को एक कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया है तो हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था दट इट लुक्स अ मोटिवेटेड जजमेंट इट लुक्स लाइक अ स्टेज जजमेंट बिकॉज इतने सालों से कभी कोई डिसीजन नहीं आता बट वेन द वेन अवॉर्ड इज हैंगिंग ओवर पाकिस्तान स्टार्ट टू कम एंड वट इज दैट स्वर्ड इट इज द एफ ए टी एफ प्लेनरी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका जो प्लेनरी सेशन होने वाला है फेब्री में उसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है बिकॉज दर इज अ क्राइटेरिया मेंशन बाई एफ एफ जो कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इन दो चीजों को रोकने के लिए ये बॉडी बनी हुई है इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो इन दो चीजों को रोकने के लिए बॉडी बनी हुई है एंड वी नो दैट पाकिस्तान इज द हब ऑफ टेरर फाइनेंसिंग इन द वर्ल्ड और इसी वजह से यह बात सिर्फ ही नहीं FATF भी करता है दैट्स दे हैव ग्रे लिस्टेड पाकिस्तान फॉर द लास्ट टू ईयर्स और मोर देन टू ईयर्स उस और उसमें से बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो उन्होंने बताए हुए हैं विच एवरी कंट्री मस्ट फुलफिल टू स्टॉप टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग लेकिन पाकिस्तान उनमें से मेजोरिटी ऑफ क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है अब फाइनली फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में जो नेक्स्ट सेशन प्लेनरी सेशन होने वाला है एफ ए टी एफ का अगर तब तक पाकिस्तान ने इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान पे फाइनेंशियल सैंक्शन लगेंगे बहुत बुरी तरह से उसकी इकोनॉमी हर्ट हो सकती है विच इज ऑलरेडी इन अल्स इस वजह से पाकिस्तान ने अब एक एक करके स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं दे आर एक्टिंग अगेंस्ट टेररिस्ट दे आर पुटिंग दम इन जेल दे आर फ्रीजिंग देयर बैंक अकाउंट्स फ्रीजिंग देयर एसेट्स वो सारे क्राइटेरिया जो कि उस लिस्ट में मैंशन है नॉट टू से दैट दीज क्राइटेरिया है लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर लेकिन इस बारे में कोई गारंटी नहीं है कि एक बार जब ये सर्टिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद दोबारा पाकिस्तान विल रिटर्न टू तो इट्स ओल्डर वेज तो ये आर्टिकल यही सजेस्ट कर रहा है कि ये सारे जो मेजर्स पाकिस्तान ने अब लेने शुरू किए हैं जस्ट टू अवॉइड ब्लैक लिस्टिंग ऑन दी एफी एफ लिस्ट पूरा वर्ल्ड इंश्योर करे पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया जाए कि ये मेजर्स परमानेंट हो ना कि एक फेस वॉश तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा गया है इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम आईयर पॉइंट ऑफ व्यू आगे चलते हैं ऑन द वर्ल्ड पेज सो ऑन द वर्ल्ड पेज

Again, some of the news are repeated here, like the Kerala Ordinance news, <laughs> it is repeated here. Let us switch to page number 11 here. Most of the regional news are there in uh, Indian Express. On page number 11, snap with Indonesia, India to host G20 summit in 2023. जी ट्वेंटी और ग्रुप ऑफ ट्वेंटी दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग है बिकॉज वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमीज जो पूरे वर्ल्ड का एट्टी फाइव परसेंट से भी ज़्यादा जी डी पी कंट्रोल करती हैं दैट इज द बॉडी वी कॉल जी ट्वेंटी इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन तो ये ट्वेंटी कंट्रीज नहीं है ये ट्वेंटी एंटिटीज़ हैं इंक्लूडिंग सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ये इजेशन है इंडिया इज ऑल्सो में जो जी ट्वेंटी समिट होगी वो इंडिया होस्ट करेगा इट इज बिग ऑनर फॉर इंडिया बहुत सालों बाद इंडिया इसको जो है वो चेयर करने वाला है पहले ये इंडोनेशिया ने चेयर करनी थी बट नाउ इट विल बी चेयर बाई इंडिया ओरिजिनली 2022 वाली जो समिट है वो इंडिया ने चेयर करनी थी बट कोविड की वजह से हर जो समिट है वो

उस लॉ में क्या क्या प्रोविजन है उस पर क्या इसमें ओपिनियन दिया गया है दिस आर्टिकल इज ज्वाइंड विद दैट पर्टिकुलर न्यूज और दूसरी आपकी जो न्यूज है दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव मैनी मोर बैंक्स तो आरबीआई के पैनल ने रिकमेंड किया है आरबीआई के एक पैनल ने रिकमेंडेशन दी है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं एन जो हैं उनको बैंक्स में कन्वर्ट किया जाना ईजी कर दिया जाए इससे बेटर सुपरविजन होगी एक अच्छा मैकेनिज्म बन जाएगा इट विल बी अ गुड स्टेप तो ये न्यूज आपको इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है ये आर्टिकल आपको पढ़ना है इम्पॉर्टेंट वन सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट यू हैव टू रीड इन दीज टू न्यूज पेपर्स इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अइसडे